हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रशांत सर और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो बच्चों, रियल नंबर में आज हम लोग कम से कम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो उसका इंट्रोडक्शन और दूसरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो कम से कम आज ये दो चैप्टर हम लोग को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग रियल नंबर को समझते हैं, रियल नंबर है क्या। बच्चों, हम लोग मैथ जब पढ़ते हैं तो मैथ में सबसे पहले नंबर की बात होती है, यानी कि मैथ मतलब नंबर के बारे में पढ़ना। तो जो पूरे नंबर हैं, उस पूरे नंबर को दो पार्ट्स में बांटा गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो एक एक करके वो सारे को एक्सप्लेन करते हैं। तो रियल नंबर हम लोग को क्लास टेंथ में पढ़ना है और जो इमेजिनरी नंबर है वो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना, वो सिलेबस से बाहर की चीज़ है, वो एलेवेंथ में पढ़ना है। लेकिन उसके डिफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला, यदि हम लोग नंबर्स को पढ़ें तो इसके दो पार्ट्स, पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, जो कि हम लोग को पढ़ना नहीं है लेकिन उसके डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे। इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका, हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव नंबर हम लोग को मिले उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको भी हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और ये जो नंबर लाइन है इसको हम लोग रियल लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि उस पर सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, जैसे कि कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे रूट टू, यदि रूट टू को स्क्वायर कर दें तो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? टू ही होगा। अच्छा, यदि हम लोग माइनस टू को स्क्वायर कर दें तो माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा? तो फोर होगा। ये नेगेटिव नंबर था लेकिन स्क्वायर करने पे एक पॉजिटिव नंबर आया। यदि जीरो को स्क्वायर करें तो वो जीरो ही होता है, यानी कि जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव का मतलब या तो जीरो होगा या फिर कोई पॉजिटिव नंबर, तो वैसे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन उसका हो गया। जो दूसरा डेफिनेशन है वो है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हम लोग पिछले क्लास में, क्लास नाइन्थ में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन नंबर पढ़े हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, और रैशनल और इरैशनल के जो सेट है उसको ही हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। यानी कि इसको तीसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, कि रैशनल और इरैशनल नंबर के सेट को रियल नंबर बोलते हैं। और हम लोग पिछले क्लास में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे थे, और वो सारे के सारे लाइन को, सारे नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको रियल लाइन या नंबर लाइन बोलते हैं। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि नहीं, जितना भी नंबर है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारा का सारा रियल है। तो चलो, ये डेफिनेशन हो गया। अब वहीं यदि इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन पूछा जाए तो बस इसका अपोजिट, यानी कि यहाँ पे नॉन नेगेटिव है तो इसका स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए था। तो होज स्क्वायर इज नेगेटिव, जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो वो हम लोग का इमेजिनरी होगा। जैसे कि रूट के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर, जैसे मान लो कि माइनस टू है रूट के अंदर में, यदि इसको स्क्वायर कर दें तो ये रूट केवल हटेगा और माइनस टू आएगा, एक नेगेटिव नंबर आ गया, यानी कि रूट अंडर माइनस टू वो इमेजिनरी नंबर है। तो खैर, हम लोग को तो वो पढ़ना भी नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, टेंथ के सिलेबस से बाहर की चीज़ है, तो मेनली हम लोग को ये पढ़ना है। तो चलो, ये नंबर सिस्टम का, रियल नंबर का डेफिनेशन हो गया। अब रियल नंबर को मेनली हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं,
और वो दो पार्ट कौन कौन सा है, तो रैशनल एंड इरेशनल। यानी कि इसको हम लोग तीसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल। तो रियल नंबर के दो पार्ट, रैशनल नंबर्स, और दूसरा इरेशनल नंबर्स। हम लोग पिछले क्लास में ये दोनों चीज़ अच्छे से पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, किसी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर फाइंड करना, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी, ये सारा चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये सारा हम लोग को पता है। तो रैशनल नंबर का डिफिनेशन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता ही होगा। तो रैशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, तो द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम लोग उसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और यदि इरेशनल नंबर को डिफाइन करना हो तो उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। या फिर एक और डिफिनेशन है जो कि बहुत ही सूटेबल है, वो है कि वैसा नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो उसको डिफाइन ऐसा भी कर सकते हैं, हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वैसा नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो सारा का सारा इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि रूट टू, यदि रूट टू को डेसिमल फॉर्म में डालें तो 1.4142 इस तरीके से वो इनफाइनाइट तक आएगा, वो क्या है, इरेशनल नंबर। या फिर पाई का वैल्यू, वो भी इरेशनल नंबर है। या फिर डेसिमल फॉर्म में बोला जाए तो 1.10100100001 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। हम लोग को यदि एग्जांपल में पूछा जाए इरेशनल नंबर को, तो ऐसे ही नंबर बताने हैं, या तो रूट के अंडर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, या फिर यदि डेसिमल फॉर्म में हो तो एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है लेकिन कोई पार्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर हैं। जैसे 1.10100 इसमें क्या दिख रहा है कि 1 के बाद 1 जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो है, 1 के बाद 3 जीरो है, 1 के बाद फिर 4 जीरो आएगा, फिर 5 जीरो होगा, ऐसे ही। तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में केवल अगले नंबर को, अगले डिजिट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि कोई पार्टिकुलर नंबर रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग है, और ये एंड भी नहीं कर रहा, कहीं पे टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का जो डेसिमल नंबर है, वो सारा का सारा इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर इसी फॉर्म में होते हैं। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होंगे, तो रैशनल नंबर हम लोग ऐसे पढ़ ही चुके हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं यानी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सारा का सारा इंटीजर्स ही होता है, तो सारा का सारा इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, या फिर फ्रैक्शंस के फॉर्म में होगा। और यदि डेसिमल फॉर्म में है, तो दो टाइप के डेसिमल अब बचे हुए हैं, और वो क्या क्या है, तो पहला, जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो सारा का सारा रैशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और दूसरा रिपीटिंग या फिर रेकरिंग, तो रिपीटिंग डेसिमल भी हम लोग के रैशनल नंबर में ही आएगा, ठीक है। तो जैसे इंटीजर्स, इंटीजर्स में हम लोग बोल सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, -2, -3, -5, कुछ भी, वो इंटीजर्स है। फ्रैक्शन का मतलब 1/2, 3/2, 5/7, ये सारा का सारा फ्रैक्शन हो गया, सब क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए रैशनल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि 1.2, यदि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे कि 1.2, 3.25, ये सारा का सारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और उसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, तो डेसिमल हटाना है, डेसिमल हटाने के बाद जो डेसिमल के बाद जितने प्लेस हैं, जितने नंबर हैं, उतना 1 पे जीरो डालना है डिनोमीटर में, ये हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा लास्ट रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि 1/3, यदि 1/3 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में डालें, तो ये 0.3333 बार बार वो रिपीट करता जा रहा है, यानी कि एक पार्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग, सॉरी रिपीटिंग डेसिमल है।
कि कोई एक पार्टिकुलर डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, एक पार्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट कर रहा, इसलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल या फिर रैकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन नंबर्स का, जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे। अब इस क्लास में क्या क्या पढ़ना है, तो चलो हम लोग 10th क्लास में एग्ज़ाम के लिए भी देखना है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। तो जो हम लोग का चैप्टर है पहला रियल नंबर, उसमें मेनली क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन तो इसको समझना ही है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, तो एक स्टेटमेंट जो कि हम लोग डिवीजन में हम लोग यूज करते हैं, क्या, तो हम लोग को पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसी चीज़ का यूज करके हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लेमा का यूज करके प्रूफ करेंगे। दूसरा टॉपिक है हम लोग का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम का मतलब हो गया कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो वर्क करते हैं। तो किसी भी दो नंबर का या तीन नंबर का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग जो निकालेंगे, ये हम लोग को करना है। और फिर उसके बाद हम लोग को कुछ डेसिमल नंबर्स पढ़ने हैं। डेसिमल नंबर्स का मतलब ये हो गया कि जो डेसिमल के टाइप तो पढ़ना ही है, समझना ही है, तो किसी नंबर को देख के हम लोग कैसे समझ जाएँ कि उसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग होगा या फिर नहीं होगा, ये सारा बताना। और सबसे लास्ट एक्सरसाइज जिसमें हम लोग को इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है कि कोई यदि इरेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर क्यों है, उसको प्रूफ करना कि वो इरेशनल नंबर है। तो इस चीज़ को हम लोग बस इतने ही पार्ट्स में बटे हुए हैं। हम लोग का ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान सा है और इसमें लास्ट एक्सरसाइज से तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है कि ये प्रूफ करना है कि रूट टू इरेशनल नंबर है, रूट थ्री इरेशनल नंबर है या 5+√2 इरेशनल नंबर है, और एक डिवीजन लेमा से भी क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए ये चैप्टर को भी अच्छे से समझना। चलो हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। तो अगला टॉपिक है हम लोग का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि ए और बी दो नंबर हो, ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर टू एनी टू इंटीजर्स, तो दो और नंबर होंगे, दो और कांस्टेंट होगा, वो इस तरीके से कि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, यानी कि ए और बी कोई दो नंबर हैं तो पी क्यू और आर दो ऐसे नंबर्स जरूर होंगे जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर आर का वैल्यू क्या होगा, तो आर का वैल्यू जीरो के इक्वल या उससे बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग डिवीजन से समझते हैं। डिवीजन हम लोग कर चुके हैं ना, डिवीजन में हम लोग पढ़ चुके हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ इस स्टेटमेंट में डिविडेंड ए है, डिवाइजर बी है, कोसेंट क्यू है और रिमाइंडर आर है, ठीक है। अब यदि किसी नंबर को डिवाइड करते, जैसे कि हम लोग को किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, तो यदि 5 से डिवाइड करना है तो कभी भी रिमाइंडर 5 के इक्वल नहीं होगा, 5 के इक्वल होगा तो कट जाएगा, और ना ही 5 से बड़ा होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हमेशा 5 से छोटा होगा, लेकिन रिमाइंडर का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो जीरो होगा, क्योंकि यदि कोई नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर जीरो आता है, तो रिमाइंडर का वैल्यू सबसे छोटा जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग बोला जाए कि यदि कोई नंबर को लिखना है जिसका डिवाइजर 3 हो, तो उसको हम लोग 3q प्लस r के फॉर्म में लिखेंगे। इसमें r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता।
यदि कोई नंबर को हम लोग 5q प्लस r के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि यदि किसी नंबर को डिवाइजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखें तो उस रिमाइंडर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अब इसी चीज़ का यूज करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है वो याद रखना है कि कोई भी इवन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में इवन और ऑड बहुत बार आएगा, तो इवन नंबर और ऑड नंबर, तो इवन नंबर का डेफिनेशन हम लोग को पता है। इवन नंबर क्या होता है, तो जो दो से डिविजिबल हो, यानी कि जितने भी नंबर होंगे, अब इसी चीज़ को लिखा जाए कि ए कोई नंबर है और डिवाइजर 3 हो तो ए इज इक्वल टू 3q, 3q+1, 3q+2, बस ये तीन फॉर्म होगा। यदि a इज इक्वल टू 5q+r है तो a का वैल्यू 5q, 5q+1, 5q+2, 5q+3 एंड 5q+4 बस इसी फॉर्म में होंगे। उसी तरह से इफ a इज इक्वल टू 2q+r के फॉर्म में हो तो r का वैल्यू तो दो ही है, 0 एंड 1, 2 के इक्वल तो हो नहीं सकता, यानी कि दो ही टाइप के नंबर बनेंगे, एक बनेगा 2q और दूसरा बनेगा 2q+1। तो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि 2q का मतलब 2 इंटू कोई नंबर, यानी कि वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि जितने भी नंबर 2q के फॉर्म में होंगे वो इवन होंगे। तो 2q वाला जो नंबर होगा वो इवन, और 2q+1 यानी कि 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा, तो ऑड होगा। यानी कि जितने भी इवन नंबर होंगे वो 2q के फॉर्म में या 2m के फॉर्म में, और जितने भी ऑड नंबर हैं वो 2q+1 या 2m+1 के फॉर्म में होगा। ये q या m क्या है, तो वो कोई कांस्टेंट है, कोई इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो कुछ भी हो सकता है। यानी कि यदि इस फॉर्म में दिख जाए तो हम लोग बोल देंगे इवन है, इस फॉर्म में दिख जाए तो बोल देंगे वो ऑड है। तो इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। यानी कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो 4q+1 के फॉर्म में होंगे या फिर 4q+3 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो जैसे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है हम लोग का कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो या तो 4q+1 के फॉर्म में होंगे या फिर 4q+3 के फॉर्म में होंगे। अब यदि इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये चेक करना है कि डिवाइजर क्या है। तो डिवाइजर तो यहाँ पे 4 है, तो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि कोई नंबर ए 4q+r के फॉर्म होगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और वो का ए का फॉर्म क्या होगा, तो वो 4q+r। अब यहाँ से हम लोग r के बारे में बोल सकते हैं कि r का वैल्यू क्या क्या है, तो r का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। अब ये चारों केस के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कब इवन कब ऑड है। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो ए का वैल्यू क्या है, वो है 4q। अच्छा, 4q को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2q, और यदि इस 2q को हम लोग कोई कांस्टेंट मान लें जैसे कि m मान लेते हैं, तो क्या ये 2m के फॉर्म में है। अभी लिखे थे कि यदि कोई नंबर 2m के फॉर्म में हो तो उसको इवन बोलेंगे, तो ये कैसा नंबर है, तो ये इवन है। ठीक है, r इज इक्वल टू 0 चेक कर लिए हम लोग। अब r इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो होगा 4q+1। अब इसको भी यदि 2m या 2m+1 के फॉर्म में डालना हो तो इसमें से 2 को हम लोग लिखना होगा, 4q को 2 इंटू 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं और 1 ऐसे ही उतार दें यदि, और 2q को कोई कांस्टेंट m बोल दें तो ये भी क्या है, तो 2 इंटू कोई कांस्टेंट m+1। तो अभी लिखे थे कि यदि 2m+1 के फॉर्म में हो तो वो क्या होगा, तो ऑड होगा। तो ये नंबर कैसा होगा, तो ऑड होगा। उसी तरह से 2 वाला देखते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 2 तो r का वैल्यू 2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा, वो होगा 4q+2। क्या यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हाँ लिया जा सकता है,
टू कॉमन लेते हैं, बचा क्या तो टू क्यू प्लस वन। और यदि इस टू क्यू प्लस वन पूरे को हम लोग कोई कांस्टेंट बोल दें और उसको m से रिप्रेजेंट कर दें तो क्या ये भी 2m के फॉर्म में दिख रहा है? तो ठीक है, 2m के फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि ये इवन है। और जो सबसे लास्ट वाला है 3, उसको भी चेक करते हैं। फैन r इज इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू होगा हम लोग का 4q+3। अब इसको भी हम लोग को यदि इस फॉर्म में सजाना है तो रिमाइंडर 1 हो सकता है लेकिन 3 नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो 3 को हम लोग ऐसा लिखते हैं, 4q को ऐसे ही रख देते हैं, 3 को 2+1। अब तो इस दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हम लोग को सजाना है या तो 2m के फॉर्म में या 2m+1। यदि इवन प्रूफ करना है तो 2m के फॉर्म में डालना होगा, यदि ऑड प्रूफ करना है तो 2m+1, इसलिए 3 को हम लोग 2+1 लिखे। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा यदि, तो 2 कॉमन लेने के बाद 2q+1 बचता है और ये 1 तो ऐसे ही उतर गया। अब फिर से इस 2q+1 को कोई कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट कर दें तो ये हो गया 2m+1 के फॉर्म में, जो कि वही ऑड वाला फॉर्म है। तो चलो ये कैसा नंबर होगा, तो ऑड नंबर होगा। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि a इज इक्वल टू 4q+r के फॉर्म में हो तो चार तरह से नंबर बनेंगे, या तो 4q, या तो 4q+1, या तो 4q+2, या तो 4q+3। अब इस चार में से 4q वाला इवन है एंड 4q+2 वाला इवन है, और ऑड कौन सा है, तो ऑड है 4q+1 वाला जो प्रूफ करना था एंड 4q+3 वाला, यही दो प्रूफ करना था, बस हो गया प्रूफ। कि जितने भी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो या तो 4q+1 के फॉर्म में होगा या फिर 4q+3 के फॉर्म में। तो इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे। तो चलो ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अब इसी में मतलब क्या चेंज आ सकता है, तो जैसे यहाँ पे इस केवल नंबर था 4q+1 के फॉर्म में, 4q+2 के फॉर्म में, अब हो सकता है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कहा जाए। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 फॉर सम इंटीजर q, कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वो 4q+1 होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जब भी आ जाए ऑड पॉजिटिव इंटीजर यानी कि वो 2m+1 के फॉर्म में होगा, यदि इवन होता तो वो 2m होता। तो हम लोग लेते हैं लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और यदि a ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका फॉर्म कैसा होगा, तो वो होगा 2m+1 के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे कहा था स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इसका स्क्वायर, देखते हैं इसका स्क्वायर किस फॉर्म में आता है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2m+1 का फुल स्क्वायर होगा। अब यदि हम लोग इसके स्क्वायर को सॉल्व करें तो 2m का स्क्वायर 4m² प्लस 2ab, 2 × 2m × 1 यानी कितना, तो 4m प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो ये आया हम लोग को, लेकिन इसको सजाना किस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 4q के फॉर्म में है तो इसमें से 4 कॉमन लेंगे, केवल 4 कॉमन। हम लोग यहाँ पे m भी ले सकते हैं 4m, लेकिन हम लोग को m नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को 4q+1 के फॉर्म में से जाना है, यानी केवल 4 कॉमन लेना होगा और जो बाकी बचेगा उसको q मान लेंगे। तो ठीक है, इस दोनों में से यदि 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा m² और प्लस m, कॉमन आ गया इसमें से, और उस 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यदि इस m² + m कोई कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट के जगह q लिख दें, तो क्या ये दिख रहा है कि 4q+1 के फॉर्म में? अब ये तो किसी भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और यदि उसको स्क्वायर कर रहे हैं तो देख लो 4q+1 के फॉर्म है, और ये प्रूफ करना था, बस इतना ही काम करना था हम लोग को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 फॉर सम इंटीजर q। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। अब जैसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर वाला ही एक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक्स और वाई यदि दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी कि उस दोनों के स्क्वायर का सम इवन तो होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 4, वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यदि इसी चीज़ को प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करके आप लोग कोशिश करो बनाने का, और इसके सॉल्यूशन पे अब हम लोग आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक्स और वाई क्या है, तो वो हैं टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग एक्स और वाई दोनों अलग अलग ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो चलो एक्स को मान लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 2m+1, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि चलो जो भी ऑड नंबर होंगे वो इसी फॉर्म में होता है। तो y क्या होगा, तो y को हम लोग एक डिफरेंट कांस्टेंट से हम लोग मान लेते हैं, यहाँ m था यहाँ n कर देते हैं, तो 2n+1। अब यदि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो होगा 2m+1 का होल स्क्वायर प्लस 2n+1 का होल स्क्वायर, इस दोनों के स्क्वायर का सम। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, तो ये हो गया 4m² + 4m+1, और ये हो गया 4n² + 4n+1। अब सबको यदि साथ में लिखें तो 4m² प्लस इसके बाद ये लिखते हैं 4n² इसके बाद ये लिखते हैं प्लस 4m इसके बाद ये लिखते हैं प्लस 4n और प्लस इस दोनों को ऐड करके एक साथ लिख देते हैं 2। क्या यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हाँ लिया जा सकता है, क्योंकि 4 है यहाँ पे इस चारों में और इसमें 2 है, और यदि 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 कॉमन ले लें तो 2m² + 2n² + 2m + 2n+1। तो क्या ये 2 इंटू कोई कांस्टेंट के फॉर्म में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 2 इंटू कोई कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा यदि हम लोग कांस्टेंट बोल दें तो, यानी कि ये इवन है, तो 2q के फॉर्म में है इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। तो चलो ये तो प्रूफ हो गया कि वो इवन है, अब हम लोग को प्रूफ करना है कि वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए ये दिखाना होगा कि 4 से डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर आ रहा है जो कि लेस देन 4 है, तो चेक करते हैं। तो ये तो हो गया, यदि इसके बाद प्रूफ करना है कि वो डिविजिबल 4 से नहीं है, तो उसके लिए बाद क्या करना है, तो यहाँ तक का स्टेप तो सेम होगा लेकिन इसके बाद का स्टेप में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, तो अब हम लोग को केवल इसमें से 4 को मान लेना है, क्योंकि हम लोग को इस फॉर्म में डालना होगा 4 इंटू कोई नंबर प्लस कॉन्स्टेंट, तो चलो 4 इसमें से कॉमन ले लें, तो दिख रहा है हम लोग को m² + n² + m + n और यहाँ पे +2। यदि इसको कोई कांस्टेंट बोल दें तो क्या ये 4q+2 के फॉर्म में दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है 4q+2 के फॉर्म में, तो ये 2 क्या रिमाइंडर जो होना चाहिए उससे डिवाइजर से छोटा है, तो हाँ छोटा है, 4 से छोटा है ना, यानी कि यदि 4q + x² + y² को यदि 4 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है कि वो 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल होता तो ये 2 नहीं होता, यहाँ पे पूरा का पूरा कट जाता, रिमाइंडर 0 आता।
लेकिन नहीं यहाँ पे तो रिमाइंडर टू आ रहा है, यानी कि फोर से डिविजल नहीं है। तो इसे क्या प्रूफ हो रहा है कि इवन तो होगा क्योंकि टू कॉमन आ जा रहा है, लेकिन वो फोर से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। तो बच्चों ये था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उस पर कुछ क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। तो इसके सारे क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी बुक में भी आरएस वाले में भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे को सॉल्व करना है। यदि स्क्वायर कहा जाए तो स्क्वायर करके चेक करेंगे, क्यूब कहा जाए क्यूब करके चेक करेंगे, और डिवाइजर थोड़ा सा सोच समझ के लेना है कि डिवाइजर हम लोग को मानना क्या है। जैसे यहाँ पे फोर दिख रहा था तो फोर मान लिए, थ्री दिख रहा था तो थ्री मान लिए। तो जिस तरीके से डिवाइजर होगा उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।